तो चलिए भाई हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग क्या इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये पूरा क्वेश्चंस किस में है? हिंदी में है भाई, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग डेली बेसिस पे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा तेजी से करते जाना है इसको। पहला क्वेश्चन है सुंदरबन का डेल्टा। डेल्टा सब लोगों को पता क्या होता है, क्या होता है डेल्टा? जो है ना, ऐसा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर किसका होता है? लैंड का होता है, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर क्यों होता है? जैसे ऐसा रिवर इधर से आ रही है मान लो, और क्या होता है, रिवर में हो जाता है ज़्यादा गाद जमा, तो ये रिवर क्या करती है, उसको यहाँ डिपॉजिट करना शुरू करती है, अपने रास्ते में ही डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, और खुद ही दो भाग में बट जाती है। तो ऐसा जो दो भाग में बट जाती है, यहाँ पर बीच में क्या होता है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब रिवर जो है, जब समंदर में मिलने वाली रहती है, तो उस समय में बहुत सारा डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक। तो इसको हो गया डेल्टा बोलते हैं। तो ऐसा बहुत सारी नदी बहुत सारे डेल्टा बना रही है। तो क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। हाँ, मेघना इसी का नाम है, बांग्लादेश में जाकर नाम मेघना हो जाता है। तो मेनली ये डेल्टा किसका किसका है? गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। अगर तुमसे कोई पूछे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का नाम है सुंदरबन का डेल्टा, है ना? क्या नाम है? सुंदरबन का डेल्टा। दूसरा क्वेश्चन आता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भी यही है, सुंदरबन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है भाई। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? रेल मार्गों का जाल मतलब नेटवर्क, है ना, रेल लाइंस किस में सबसे ज्यादा है? तो किस में सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान, जहां से गोल्ड माइनिंग सबसे ज्यादा होता है, यूएसए में। संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए। यूएसए कौन से कंटिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिका में। पिछले वक्त क्लास में भी हम लोग देखे थे भाई, है ना। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन थ्री मेजर कंट्री है? सबसे ऊपर में कनाडा, फिर यूएसए, और फिर मैक्सिको, ठीक है। ये तीन मेजर कंट्री याद रखना है इसको, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, है ना। और सबसे ऊपर में कौन है? कनाडा, बीच में यूएसए, लास्ट में मैक्सिको। हालांकि यूएसए जो है कनाडा से भी ऊपर है, इधर एक क्षेत्र पड़ता है वो अलास्का वाला क्षेत्र, ये किसका है? यूएसए का ही पार्ट है। लेकिन मेजर कंट्री जो हम लोग बोलते हैं टॉप में, कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको। तो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान कहाँ है? तो होम स्टेक में है। कहाँ है? होम स्टेक में है। और ये कौन से स्टेट में पड़ता है? तो उसका है साउथ डकोटा में। कहाँ पर है? साउथ डकोटा में, ठीक है भाई। तो इसमें दो क्वेश्चन हो गया, सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान क्या है, कहाँ है? होम स्टेक। और ये कहाँ है? तो साउथ डकोटा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वतमाला ये कौन सा कंटिनेंट में है? साउथ अमेरिका में, याद रखना है इसको। अगर कोई पूछे कि एंडीज कौन से कंटिनेंट में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका। और उसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, उसका नाम क्या है? एकांकागुआ, याद रहेगा क्या? एकांकागुआ। एकांकागुआ क्या हो गया? एंडीज का हाईएस्ट पीक हो गया। और एंडीज जो है ना, ये लॉन्गेस्ट माउंटेन भी है वर्ल्ड का, ये याद रखना, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोल रहा हूँ, हाईएस्ट नहीं बोल रहा हूँ। हिमालय जो है ना, वो हाईएस्ट है, ठीक है भाई। हिमालयन रेंज जो है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, लेकिन लॉन्गेस्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट में एंडीज ही आता है, ठीक है भाई। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हो गया तुम्हारा एंडीज, और हाईएस्ट माउंटेन रेंज हो गया हिमालय। और जो एंडीज है, इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? एकांकागुआ। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? पठारी भागों में, तो पठारी भागों में तो खेती होने से रहा, है ना। जमीन फर्टाइल नहीं होता है, जमीन इवन नहीं होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट काम क्या है? उत्खनन का काम होता है, माइनिंग का काम। क्यों होता है माइनिंग का काम? क्योंकि वहां बहुत सारा मिनरल्स मिलता है। नहीं, जितना भी मिनरल डिपॉजिट्स है वो कहाँ है? पठारी भागों में ही है, ठीक है। तो वहां कौन सा काम होगा?
उत्खनन का काम होगा, माइनिंग का काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? पठार सब लोगों को पता है, पठार कैसा होता है? हाईलैंड्स होता है, जो ऐसा फ्लैट हाईलैंड्स होता है, ठीक है भाई, इसमें कोई पीक्स नहीं होता है, माउंटेन की तरह। तो मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल में। तो यानी इसका एक्सपेंशन कैसा है? ऐसा है मान लो, अब इसमें स्पेन भी पड़ रहा है और पुर्तगाल भी पड़ रहा है, तो पठार का एक्सपेंशन कौन सा कंट्री में होगा? दोनों हो गए, स्पेन में भी हो गया और पुर्तगाल में भी हो गया। कोई दिक्कत याद रख में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, कनाडियन मतलब जो कनाडा में है, कनाडा किस में है? तो हम लोग इसको देखे थे किस में, नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में देखे थे, टॉप में कौन है? कनाडा ही है ना, फिर यूएसए है, और फिर क्या है? मैक्सिको है। ऐसे करते करते धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कनाडियन नेशनल रेलमार्ग जो है वो किसका होगा? कनाडा का होगा। कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हेलीफैक्स से वैंकूवर तक, याद रखेंगे इसको, हेलीफैक्स से वैंकूवर तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अच्छा लिखा हुआ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में, इसको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो कब स्टेब्लिश किया गया था, 1981 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय में ना, हेडक्वार्टर, हाँ, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। देहरादून कहाँ पड़ता है भाई? उत्तराखंड में, है ना, उत्तरांचल में। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में, ठीक है। देहरादून के आसपास क्या क्या है? देहरादून क्या है भाई? उत्तराखंड का कैपिटल सिटी है भाई, नहीं है? उत्तराखंड का क्या है? ये कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल ये नाम है, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत, है ना, ब्लू माउंटेन, ग्रीन माउंटेन एंड ब्लैक हिल, हिल माने भी क्या होता है? माउंटेन ही होता है। ये पहाड़ियां किस देश में है? यानी ब्लैक माउंटेन, ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन या ग्रीन माउंटेन, ये तीनों जो है किसमें है? यूएसए में, ठीक है भाई। अगर वर्ल्ड के मैप में दिखाना होगा तो कहाँ होगा? यहाँ होगा, है ना। यूएसए कहाँ है? तो नॉर्थ अमेरिका में। यूएसए कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। तो ये देखो, साथ ही साथ ये सारा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो है इसको भी लेते रहना, तो इससे क्या होगा, बहुत सारा नया चीज सीख लेंगे या फिर रिविजन होता रहेगा। अगला है, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, बहुत फेमस है ये केप ऑफ गुड होप, की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? किस नाविक को दिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियास को। किसको लिया जाता है? बार्थोलोम्यू डियास को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? प्रायद्वीप सब लोगों को पता है, प्रायद्वीप क्या होता है? ये पीस ऑफ लैंड होता है। क्या होता है? पीस ऑफ लैंड होता है। कैसा पीस ऑफ लैंड? जो जो सराउंडेड होता है किससे? तीन तरफ से वाटर से। मान लो ऐसा करके, ऐसा करके कोई लैंड है, ये इधर भी है ना वाटर से, इधर भी वाटर से और इधर भी वाटर से, ऐसे थ्री साइड से अगर वाटर से कवर्ड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। जैसे अरब का प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, हमारे पास भी क्या है, हमारा इंडिया जो है उसका ये साउदर्न पार्ट जो है क्या है, ये वाटर से, ये वाटर से, ये वाटर से ही घिरा हुआ, तो इसको इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो क्योंकि ये पेनिनसुला ही है, नहीं है ऐसा, तीन तरफ से घिरा हुआ है वाटर से। तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा हो गया? अरब। इसका एरिया कितना है? 32,50,000, है ना, 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे के निकट से, है ना। चिनाब कौन सा नदी है? चिनाब कौन सा है? चिनाब की क्या खासियत है? चिनाब किसका ट्रिब्यूटरी है? सिंधु का, नहीं है, इंडस का पांच ट्रिब्यूटरीज है ना, कौन कौन है? हाँ, सतलज, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम, याद रखना है इसको, ठीक है। ये पांच नदी क्या है? इंडस का ट्रिब्यूटरी है, उसमें से चेनाब भी एक आता, ठीक है भाई। चेनाब नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रा। कहाँ से है? बारालाचा दर्रा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में, है ना? कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड में। जिस बार हम लोग फिजिकल डिवीजन पढ़े थे उसमें गोंडवाना लैंड देखे थे, ठीक है? आगे बढ़े। अगला है, अगर अगर जो है हम लोग इसमें स्टेट की बात करें कि भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कौन कौन स्टेट में पाया जाता है, तो इसका क्वेश्चन अलग हो जाएगा। लेकिन है ये क्षेत्र की बात की जा रही है यहाँ पे, तो एक पूरा ब्रॉड क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है? आगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2। और इसका नाम क्या एक्चुअली? गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं। और इसका हाइट कितना है? हाँ, 8,611 मीटर। अब ध्यान देना, ये गॉडविन ऑस्टिन जो है एक्चुअली ये पड़ता कहाँ है? POK में पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसमें है ये, है ना? और दो चीज है, एक है इसको K2 बोलते हैं, काराकोरम 2। काराकोरम अलग है, काराकोरम क्या है? काराकोरम माउंटेन रेंज है। काराकोरम क्या है? काराकोरम जो है ये माउंटेन रेंज है, ठीक है? इस माउंटेन रेंज में एक पीक जो है उसका नाम है K2, काराकोरम 2, या इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है? और इसका हाइट है 8,611 मीटर। और ये पड़ता है कहाँ? अभी वर्तमान में POK में पड़ता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है, और किस नदी पर है? महानदी पर, ठीक है? तो इसमें एक लेक भी बनता है ना? लेक क्यों बनता है? जब भी ऐसा कोई रिवर है उस पर तुम हाइड्रोलिक्ट्रिक के लिए डैम बनाते हो, डैम बनाओगे तो वाटर स्टोरेज बढ़ेगा ना इधर, ये जब बैठे बढ़ता है इधर तो फिर फ्लडेड होता है, तो ये पूरा एरिया क्या बन जाता है बाद में? लेक में कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और किस नदी पर है? महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवांडा की, ये खांडा ने लिखा हुआ रवांडा पर, रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखना है, ये तो सिंपल टाइप का हो गया। माउंट एटना, माउंट एटना जो है वो क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन है। माउंट एटना क्या है? हाँ, किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसली। सिसली क्या है? सिसली माउंटेन रेंज है, उसमें माउंट एटना है, ठीक है भाई? नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा है? मरे डार्लिंग नदी किनारे घना बसा हुआ है ना? सबसे घना पूछ रहा है, सबसे घना किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो मरे डार्लिंग के किनारे बसा हुआ। इसका लेंथ कितना है? 3,717 किलोमीटर। गंगा का लंबाई कितना है? 2500। हाँ, 25-25 किलोमीटर। यानी इसका मतलब क्या हो गया? गंगा अधिक लंबी की है, अधिक लंबी ये, अधिक लंबी, है ना? ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी भाई? रॉबर्ट पियरी। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल। कहाँ पड़ता है ये? वेनेजुएला में पड़ता है। जलप्रपात का नाम हो गया साल्टो एंजिल, और पड़ता कहाँ है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की राजधानी है। नेक्स्ट है, युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। युगांडा क्यों फेमस है पता है? युगांडा में एक डिक्टेटर हुआ था, उसका नाम था एडी एमीन। हाँ, क्या नाम था उसका? एडी एमीन। इसकी, ये बहुत विवादित आदमी रहा था, इसके बारे में कहा जाता है ये ह्यूमन फ्लैश भी खाता है ना? इसको कैनिबेलिज्म बोलते हैं, इस नेचर को। कैनिबेलिज्म क्या होता है? कोई भी जीव जब अपने ही जीव का जिंदा मांस खाना लगे तो उसको कैनिबेलिज्म बोलते हैं। जैसे बहुत सारा फिश है जो अपने ही ब्रीड को खाना शुरू कर देती है, बहुत सारा जानवर भी है जो अपने ही ब्रीड को खाना शुरू कर देता है। ये नेचर कई सारा स्नैक्स में भी पाया जाता है ना? कई सारा स्नैक्स अपना ही बच्चा को खाना शुरू कर देता है ना? जैसे अंडा से बच्चा निकलता है तो खाना शुरू, तो इस तरह का नेचर जो, इसको क्या बोलते हैं वो? कैनिबेलिज्म बोलते हैं, ठीक है भाई? तो ये आदमी जो था ये बहुत विवादित रहा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है ना? अगला है, दंडिता 40 है, जो रोरिंग 40 है ये क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान पछुआ हवाएं चलती है। पछुआ हवा समझ में आता है? पछुआ और पूर्वा हवा, जो वेस्ट से चलता है, वेस्ट से चलता है, याद रखना। किधर चलता है? ईस्ट की तरफ चलता है,
है ना। अगर पूर्वा हवा चल रहा है मतलब पूरब से चलेगा, पश्चिम की तरफ चलेगा, ये ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। तो अगर जो हवा वेस्ट से चल रही है उसको हम लोग वेस्टर्न विंड बोलते हैं, पछुआ हवा बोलते हैं, और जो ईस्ट से चलेगी उसको हम लोग ईस्टर्न विंड बोलेंगे, है ना। किस तरफ जा रही है इससे मतलब नहीं होता, किस तरफ से आ रही है इससे मतलब होता है, ठीक है। अगला है, माओरी जनजाति का निवास कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। एक नदी का भी हम लोग एपिसोड बनाएंगे, दो एपिसोड बनाएंगे नदी का, एक में देखेंगे हम लोग नदी का पूरा ज्योग्राफी, है ना, क्या देखेंगे उसमें, इसका पूरा ज्योग्राफी देखेंगे, है ना, और एक देखेंगे हम लोग रिवर का ही बनाएंगे, उसमें उसका ज्योग्राफी साथ ही साथ उसका रिलीजियस क्या वैल्यू है वो भी देखेंगे, ऐसा दो एपिसोड हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अगला है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, राजस्थान का, जिसको लाइफलाइन बोलते हैं, राजस्थान में पूरा बहती है, ठीक है। अगला है, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग जस्ट देखे थे कि जो झील बनता है किसी भी डैम में, किसी भी नदी परियोजना में, वो क्यों बनता है, मेन स्ट्रीम रिवर को जब आप रोकते हैं तो ये वाटर का लेवल बढ़ता है और एरिया फ्लडेड हो जाता है, इससे बनता है झील। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में जो झील बना है, गोविंद सागर झील, वो इसी तरह के इसी कारण से बना है, इसीलिए इसको मैन मेड लेक बोलते हैं, ठीक है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, मंगल को, है ना। उसी तरह से मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं, ये मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं भाई, वेनस को बोलते हैं, है ना। शुक्र ग्रह को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, शुक्र को, या इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, है ना, एक ही बात हो गई। मॉर्निंग स्टार भी इसी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी इसी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, शाम में सबसे पहले यही तुमको आसमान में दिखाई देगा और लेट इन द मॉर्निंग तक यही दिखाई देगा। तो जो भी स्टार दिखाई देता है ना, स्टार जैसा दिखाई देता है वो एक्चुअली क्या है, वेनस ही है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है, रॉकीज की, रॉकीज माउंटेन की। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, वोल्डर के नाम से। नेक्स्ट है, लंदन किस नदी के तट पर है, बहुत फेमस रिवर है ये, टेम्स के तट पर है। अगला है, भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है, हाँ खान माने माइन, है ना, जहां से मिनरल्स निकाला जाता है, तो कोलार की खान सबसे गहरी खान है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो जो है, इन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ है, बेंगलोर में है ना। इसरो कैसा संस्थान है, जैसा नासा है ना, जैसे नासा है ना यूएसए में भाई, ऐसा ही इंडिया में क्या है, इसरो है। अगला है, किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में घास के मैदान क्या बोलते हैं, पंपास। घास का मैदान मतलब ये मत समझना कि किसी भी आदमी के घर में जो घास का मैदान है अर्जेंटीना में सबको पंपास बोलते हैं, ये मतलब नहीं हुआ। पंपास मतलब क्या, एक ज्योग्राफी है, बहुत बड़ा एरिया, मतलब एक बड़े एरिया में, मान लो कि इतना बड़ा कंट्री है तो उसमें जो इतना बड़ा घास का एरिया, मान लो ये ग्रास लैंड बोलते हैं इसको, यहाँ पे छोटा छोटा ही घास होता है, इसको पंपास बोलते हैं इस एरिया को, एक जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है, ऐसा नहीं किसी आदमी घर में घास लगाओ तो पंपास बोलना शुरू कर देगा। अर्जेंटीना में किसी के यहाँ घास लगाओ तो पंपास हो गया, है ना, गाय को खिलाने के लिए घास लगा दो तो पंपास हो गया, ऐसा नहीं है ना। नेक्स्ट, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है, पुणे में। मैप का काम यही होता है, मैप का काम यहाँ होता है, मतलब मैप का काम यहाँ होता है मतलब। चलिए भाई आगे देखते हैं, तो देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय है पुणे में, और पुणे पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है भाई, और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई है। चलिए नेक्स्ट, मचकुंड जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना जहां से ऐसा डैम बना करके टरबाइन लगा करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लिया जाता है, उस पूरा परियोजना को जल विद्युत परियोजना बोलते हैं, ठीक है। तो मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, और इसको लेकर के कभी कभी विवाद भी हो जाता है, संयुक्त परियोजना जब रहेगा थोड़ा बहुत विवाद हो जाता है ना। किसको किसको लेकर के है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अभी उत्तर प्रदेश हिमालय जो है इसको उत्तर प्रदेश हिमालय नहीं बोल करके क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तराखंड हो गया ये, नहीं हो गया,
तो ये कौन सा है? नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो नगरीकृत हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, क्वेश्चन रिपीट है भाई, ब्लैक हिल, ब्लू माउंटेन और ग्रीन माउंटेन किन पहाड़ियाँ की पहाड़ियाँ किस देश में है? पीछे भी था ये, नहीं था माउंटेन का नाम, लेकिन बड़ा अच्छा याद रखने लगा, माउंटेन है, ब्लू माउंटेन, ग्रीन माउंटेन, नहीं ब्लू जैसा दिखता होगा ब्लू माउंटेन, ग्रीन जैसा दिखता हो ग्रीन माउंटेन क्या, और ब्लैक माउंटेन ब्लैक जैसा दिखता होगा। नेक्स्ट है, वृहत ज्वार उस समय आता है, वृहत ज्वार ये कब आता है? दो टाइम में आता है, कब कब? अभी पिछले क्लास में लोग देख रहे थे इसको, कब कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा, कब कब आता है? पूर्णिमा, ठीक है भाई। इस दोनों दिन क्यों आता है? तो इस दोनों दिन क्या होता है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जो है वो एक सीध में है ना, एक लाइन में आ जाता है तीनों, है ना, ऐसे एक लाइन में आता है, ठीक है। और इसका क्यों आता है, इसका इसका हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, ग्रेविटेशन। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? और इसका फुटबॉल में भी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, नहीं मतलब कंट्रीब्यूशन। प्रश्न है अगला, मंगल और बृहस्पति, मंगल माने मार्स, जुपिटर माने बृहस्पति माने जुपिटर, इनकी कक्षाओं के बीच, कक्षा माने ऑर्बिट जो है इसका, है ना, इनका कक्षा जो, इनके बीच, ऑर्बिट के बीच, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल, शैल माने स्टोन के छोटे टुकड़ों को, समूह को क्या कहते हैं? इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षेत्र ग्रह लिख दिया, इसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, एस्टेराइड्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो एस्टेराइड्स क्या है? एस्टेराइड्स जो है वो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इनका साइज जो है छोटा से लेके बहुत बड़ा तक है, ऐसा नहीं कि एस्टेराइड है तो छोटा छोटा स्टोन पीबल्स टाइप का है, कुछ एक एस्टेराइड जो है वो बहुत बड़े बड़े साइज के भी हैं, है ना। और ये सब क्या कर रहा है? एक पट्टी में घूम रहा है, और ये पट्टी कहाँ से कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में ये पट्टी है, इसी में घूम रहा है ना, और ये है हमारा सन, इसी के चारों घूम रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर, ठीक है। कृष्णा नदी किधर है भाई? किधर है? साउथ इंडिया में है, किधर है? नेक्स्ट है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया? चंबल किसकी सहायक नदी है? चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है, और यमुना किसकी सहायक नदी है ना। अगला है, जोजिला दर्रा, दर्रा को पास बोलते हैं इसमें, ठीक है भाई, है ना। पास माने क्या होता है? ये माउंटेन रेंज चल रहा है मान लो ऐसा करके, है ना, इसी बीच में कहीं पे क्या होता है ना, ऐसा रास्ता टाइप का होता है दूर से, जहाँ पे सेपरेशन होता है और आप इस रास्ते से आ जा सकते हैं इस पास उस पास, है ना, इसको पास बोलते हैं, क्या समझे? हाँ, तो ऐसा बहुत सारा पास। तो जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो लेह और श्रीनगर को, मान लो इधर भी माउंटेन है, पूरा हिली माउंटेन है, और इधर मान लो बसा हुआ है क्या, लेह, और फिर इधर भी माउंटेन है बहुत बड़ा बड़ा सा, और इधर है मान लो श्रीनगर, है ना, तो इधर का लोग इधर कैसे जाएगा, पीछे माउंटेन है, मुश्किल है। तो क्या करते हैं, कोई पास खोजते हैं, समझ रहे हो ना, मान लो यहाँ से ऐसा करके कोई रास्ता है जहाँ माउंटेन का सेपरेशन, यहाँ से लोग इधर घुस गया, तो ये जो है इसको पास बोले, जहाँ माउंटेन के बीच से जाने का रास्ता होता है, और ये नेचुरल होता है, जितना भी पास बोलते हैं लोग इसका मतलब वो कैसा है, नेचुरल है, मैन मेड नहीं। अगला क्वेश्चन है, एस्किमो लोग, एस्किमो लोग कौन होते भाई? एस्किमो, हाँ एस्किमो एक तरह से ट्राइबल लोग होते हैं, और ये कहाँ रहते हैं? टुंड्रा क्षेत्र में रहते हैं। टुंड्रा क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जो मोस्टली स्नो कवर्ड होता है, आइस कवर्ड होता है, में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू, है ना, बर्फ का एक घर होता है, कैसा घर होता है? ऐसा घर, अर्ध गोलाकार, ऐसा इसको, ऐसा ही ये मान लो ऐसा बर्फ है चारों तरफ, ऐसा करके बनाता है घर, है ना, ऐसा कर, समझ
समझ में आ गया। और ये क्या चीज से बना हुआ है, पूरा बर्फ से ही बना हुआ है और इसी के अंदर रहता है। अब तुम कहोगे बर्फ के घर में कौन रहना चाहेगा, मजबूरी है उनको, और कुछ है ही नहीं तो क्या करेगा, है ना। तो तेज हवा से कम बचा देता है, है ना, ये फायदा हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए भाई, तो समझ में आ गया। एस्किमो लोग कौन हो गया, जो स्नो कवर्ड एरिया में रहता है। और लोग क्या बनाता है, इग्लू। इग्लू कैसा होता है, ऐसा होता है, और ये बनता है क्यों, तेज विंड से बचाने के लिए। अगला है, नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारा के साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहते हैं, तो मैग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, गरान वन कहते हैं इसको, एक्चुअली मैग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्रोव फॉरेस्ट, याद रखना। और मैग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो ज्वार नदमुख में पाया जाता है, याद रखना। कहाँ पाया जाता है, ज्वार नदमुख में पाया जाता है। नदमुख मतलब नदी के मुंह के पास पाया जाता है, नदी का मुहाना जो होता है। अगला है, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं, अवसादी सेल। अवसादी सेल को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ गए। अगला है, हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, कोलोरेडो नदी पर बनाया गया। अगला देखते हैं, अगला है हमारा वेस्ट बैंक। ये वेस्ट बैंक बहुत फेमस जगह है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भूक्षेत्र है, जॉर्डन रिवर। देखना, जॉर्डन कंट्री भी है और रिवर भी है ना। वेस्ट बैंक जो है वो क्यों फेमस है, अगर इसराइल और फिलिस्तीन जो है इसके बारे में अगर तुम समझ रहे होगे तो तुमको याद आ जाएगा वेस्ट बैंक क्या होता है। ठीक है, तो पता करके आना है वेस्ट बैंक क्यों फेमस है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है, यूएसए और कनाडा को, है ना। इनको पैरेलल्स ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ही बोलते हैं। पैरेलल्स क्यों बोलते हैं, समझ में आ गया, अक्षांश रेखा पैरेलल्स ही तो है, नहीं है, इसलिए इनको पैरेलल्स बोलते हैं। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है, उत्तर प्रदेश की। किस किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश की। किस ताप विद्युत, समझ में आता है ना, ताप क्या होता है, ताप विद्युत परियोजना, जहाँ कोयला से बिजली निकलता है, टेम्परेचर से, है नहीं, एक होता है पानी से बिजली निकलता है, गवर्नमेंट का है ना, इसको एनटीपीसी बोलते हैं ना भाई हम लोग, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। थर्मल मने क्या होता है, ताप ही तो होता है। थर्मल मने क्या होता है, थर्मल मने ताप ही तो होता है ना। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है ये क्या होता है, सारा वो कोयला वाला ही सिस्टम है जहाँ उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। किस देश में ट्यूलिप की खेती, ट्यूलिप क्या भाई, फ्लावर है, ट्यूलिप क्या है ना। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है, नीदरलैंड्स में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र, एक होता है ये जो बताया एनटीपीसी कोयला से बना रहा है, एक है जल विद्युत, पानी जा रहा है इसको डैम बना करके इसे टरबाइन घुमा के बिजली ले रहे हैं, इसको जल विद्युत शक्ति केंद्र बोलते हैं। तो पहला जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो शिवा समुद्रम में की गई थी, और वो कौन से ईयर में की गई थी, 1902 में, है ना, कहाँ, शिवा समुद्रम में। अगला है, भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, नागालैंड में। नागालैंड में और भी बहुत सारी जनजाति पाई जाती है भाई, और कुछ खतरनाक जनजाति भी पाई जाती है। सबसे खतरनाक जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान में, है ना। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है, म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है, मेघालय। इससे पहले जो मासिनराम से पहले था चेरापूंजी, वो भी कहाँ था, मेघालय में ही था। अगला है, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है, बस्तर जिले में, और ये काफी नक्सलाइट एरिया भी है। नक्सलाइट एरिया मतलब जहाँ नक्सल लोग रहते हैं, है ना, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ना। कैसा कैसा क्षेत्र है, अग्रवाद नहीं भाई, उग्रवाद, है ना, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, अगला है, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से मिलता है, सतलज पे डैम बना के उससे पानी निकाले हैं। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, यहाँ पे एक फेमस टेम्पल भी है, पता करना है कौन सा टेम्पल है ना।
विरूपाक्ष टेम्पल है ना, ये कहाँ है वो? किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और वो टेम्पल किस सेंचुरी में बना था, है ना? 6th सेंचुरी में बना था, है ना? जिससे पूरी दुनिया मड हाउस बना के रहती थी उस समय का वो टेम्पल है। जब तुम उसका आर्किटेक्ट देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या आर्किटेक्ट था उस समय इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर, ये सरोवर है, सरदार सरोवर किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? बेगूसराय बेगूसराय में है? नहीं, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बरौनी पड़ता है। तो बरौनी तेल शोधन कारखाना, बरौनी रिफाइनरी जो है वो कहाँ है? बिहार में है और बेगूसराय में। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास कहलाते हैं। देखना यहाँ, अमेजन बेसिन का वन है, तो ये ऐसा नहीं तुम्हारे घर में आसपास में जंगल लग गया तो उसको तुम सेल्वास बोल लो। पूरा एरिया वो एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है जिसको सेल्वास बोला जाता है। जैसे हम लोग अर्जेंटीना वाला पंपास देखे थे, है ना, उस तरह से क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। ब्राजील कौन से कंटिनेंट में है? कौन बताएगा? साउथ अमेरिका में, याद रखना है। कहाँ है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, है ना? और पिछले वीडियो में लोग डिस्कस किए थे कि अमेजन फॉरेस्ट दुनिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। अमेजन फॉरेस्ट भी था ना एक क्वेश्चन में, फिर इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अफ्रीका में आसवान बांध जो है वो किस नदी पर है? नील नदी पर। और नील नदी जो है उसको किस कंट्री का लाइफ लाइन बोला जाता है? किस नदी का, किस किस कंट्री का बोला जाता है? इजिप्ट का। पिरामिड किस कंट्री में है ना? अगला है क्वेश्चन, रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 752.3 लाख हेक्टेयर, है ना? इसको लोग रफली 750 हेक्टेयर याद रखते हैं, ठीक है? एक्यूरेट फिगर याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? Yes. फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? सियरा लियोन। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित लैंड लॉक्ड देश कौन सा? लैंड लॉक्ड देश क्या होता है? जैसे समझने के लिए समझ लेते इसको, हमारे 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 पास क्या है, कंट्री है बगल में पड़ोसी हमारा नेपाल। कौन सा कंट्री है? नेपाल। नेपाल में क्या है, एक तरफ हम लोग हैं मतलब इंडिया है, एक तरफ क्या है भूटान है, एक तरफ क्या है चाइना है। तो ऐसा करके हम लोग क्या करेंगे, चारों तरफ इसको क्या करें, लैंड ही लैंड है, इसे कोई बाउंड्री समंदर से नहीं कनेक्टेड है। ऐसा सारा कंट्री जिसके चारों तरफ कोई ना कोई लैंड वाला कंट्री ही हो, इसको लैंड लॉक्ड कंट्री बोला जाता है। समझ गया बात को? तो ऐसे कंट्री के साथ क्या है, इनको अगर समंदर से कुछ ट्रेड करना है, इनको आसपास के किसी कंट्री का, नेबरिंग कंट्री से इसको सपोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है? डायरेक्ट माल नहीं होता इस कंट्री में, कहीं से भी कैसे आएगा? अब यहाँ जैसे नेपाल में है, तो नेपाल में जो कोई भी ट्रेड होता है ओशन से, तो किससे, किसके थ्रू होता है? इंडिया के थ्रू होता है। पहले माल कहाँ आएगा, है ना? इंडिया आएगा, और फिर इंडिया से कहाँ जाएगा? नेपाल जाएगा। तो लैंड लॉक्ड कंट्री समझ गए, इसको भू आवेष्टित बोलते हैं, लैंड लॉक्ड, ठीक है भाई? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल क्या है? उलनबटोर, है ना? अगला, करीबा बांध जो है, करीबा डैम जो है वो कहाँ स्थित है? जाम्बिया में है। हाँ, और जेम्बेजी नदी पर है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? दुनिया में सारा बेहतरीन कॉफी और बेहतरीन चाय ताइवान में ही मिलता है, ठीक है भाई? ताइवान और भी कुछ चीज के लिए बहुत फेमस है, किसके लिए? चिप्स के लिए। किसके लिए? चिप्स। कौन सा चिप्स? वो मत समझ लेना कि वो जो कुरकुरे चिप्स वाला, वो नहीं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स है ना, जो आता है ना इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मोबाइल में चिप लगता है ना भाई, जिसको मेमोरी कार्ड वगैरह बोलते हैं, मेमोरी कार्ड भी एक चिप ही है। तो वही से, उसी को सिर्फ चिप नहीं बोलते, जितना भी ईसी है वो सारा का सारा जो है ना, वो ज्यादातर 90% यही बनता है ना। दुनिया में 2-3 कंट्री है जो चिप्स बनाती है, चिप्स मतलब वो वाला नहीं समझ लेना, है ना, 5 रुपये 10 रुपये वाला, गए दुकान से खरीद खा लिए, है ना? ये है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगता है उसको बोल रहे हैं।
ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगला है विश्व प्रसिद्ध, हाँ ये हो गया, उलांग चाय जो है कहाँ मिलता है? ताइवान। चाय रिलेटेड और कॉफी से रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी है और तुमको पता ना हो तो तुम इसको तुक्का मार सकते हो। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, चिप्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज हो और तुमको समझ में ना आ रहा हो इसको तुक्का मार सकते हो। अगला, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो स्वेज तथा पोर्ट सईद, ठीक है। अगला, तो आज छोड़ देंगे क्या? और हाँ पूरा बात है, ठीक है भाई, कुछ और देखते हैं। तो अगला है, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। बकरेश्वर ताप विद्युत केंद्र, फिर से आ गया। ताप विद्युत केंद्र क्या है भाई? ये जिसको एनटीपीसी चलाती है, ठीक है ना। किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में। अगला है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। एरिड फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? एरिड मतलब क्या होता है? जहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो उसको एरिड एरिया बोलते हैं, ठीक है भाई। सिंचित क्षेत्र क्या होता है उसको? जहाँ सोर्स ऑफ इरीगेशन, एरिड एरिड एरिया मतलब सिंचित क्षेत्र, क्या बोलते हैं? सिंचित क्षेत्र। एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। दक्षिण जोधपुर में ही होना भी चाहिए, क्या उधर पानी का दिक्कत है ना? उधर फॉरेस्ट में इरिगेशन जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा फॉरेस्ट डेड हो जाएगा। साउथ अमेरिका का गेटवे किसको कहा जाता है? गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका, वेनेजुएला को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पता है? नॉर्थ अमेरिका जो है ये, इसका जब देखोगे और देखोगे साउथ अमेरिका जो है, दोनों जुड़ रहा है लैंड से, है ना, यहीं से जुड़ता है। किससे? बीच में जो कंट्री पड़ता है वो यही पड़ता है, इसीलिए तो गेटवे बोलते हैं। समझ में आया क्यों गेटवे बोलते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत पहले, आजादी से बहुत पहले हुई थी, ठीक है। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? किसकी है? झेलम की, ठीक है। तो